साल से जामिया बंद है और स्पेशली क्या कहना चाहेंगे आप लोग, छात्रा हैं, जामिया एक साल से बंद है, क्यों फिर से जैसे जबकि कोरोना है आप लोग चाह रहे हैं कि जामिया शुरू? तो अगर कोरोना होता तो सबके लिए कोरोना, थिएटर खुल गए, बाजार खुल गए, गवर्नमेंट जो चुनाव हो रही, चुनाव रैली हो रही है तो उसके लिए कोरोना नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कोरोना तो नहीं होने चाहिए। जब होने तो पूरी तरह से लॉकडाउन करो आप, अगर कोरोना है तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए क्यों कोरोना है? देश हित में ये सब चीज़ें हो रहा है कि मतलब कि अभी देश हित में ही मतलब कि कोरोना है इसके लेकर यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन देश हित में ही चुनाव हो रहा है इसके लेकर क्या सोचती है सरकार के पीछे क्या रणनीति है कि यूनिवर्सिटी को बंद करके रखी है? पता ना सरकार क्या चाह रही है, हमारी तो छोटी सी मांग है कि बस हमारी यूनिवर्सिटी खोल दी जाए, हम पढ़े, लेकिन सरकार पता ना क्या चाहती है, वो प्रचार करने के लिए उसकी पब्लिक इकट्ठा हो रही तो उसके लिए कोरोना का कोई डर नहीं, उनको नहीं समझाया जा रहा है, लेकिन जहाँ पे यूनिवर्सिटी में बच्चे इकट्ठे होंगे तो कोरोना होगा। मैं अभी भी यही कहूँगी कि सरकार यूनिवर्सिटी खोले, और ये जो ढोंग है ना कि कोरोना 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 कुछ है नहीं, हमें पता है हमें कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो शायद ओके। तो जैसे कि और भी स्टूडेंट से क्या मतलब कि आप चाहती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तो बात करने नहीं आ रही है, सिर्फ बहला रही है, फुसला रही है बच्चे की तरफ, कब तक आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? हम जब तक कैंपस नहीं खुलेगा तब तक हम प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और सारे जो छात्र छात्राएं उनसे हम अपील करते हैं कि आप प्लीज आप भी प्रोटेस्ट करो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करो। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल मंसूरी है और मैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ से आता हूँ। आज जो जामिया की तरफ से प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों की क्या डिमांड? देखिए बहुत दुख और शर्म आती है हम लोगों को यह कहते हुए कि भारत जैसे देश को शिक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है, किसी फिल्म इंडस्ट्री खुलवाने के लिए नहीं, शॉपरिक्स मॉल की परमिशन लेने के लिए नहीं, किसी पद के लेने के लिए नहीं, पद तो उन लोगों को पद मिल जाता है जो विवादित बयान देते हैं, जातिवाद और राजनीतिक और धार्मिक बयान दे देते हैं, जो बेहुदा और बदतमीजी करते हैं उनको पद दे दिया जाता है, लेकिन सिर्फ सिर्फ एक शिक्षा के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए एक छात्र शिक्षा हासिल करना चाहता है उसको भारत जैसे देश में शिक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। आप यकीन मानिए बेशर्म बेशक अपने कान में रुई ठूंस कर बैठे हैं, लेकिन ये उनके लिए चुल्लू भर पानी में डूबने की बात है, उन्हें मर जाना चाहिए। क्या आप शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट करवा रहे हैं? अरे ये तो आपको घर घर जाके देनी चाहिए थी, इसके लिए छात्रों को जो सुविधा देनी ज़रूरत है सुविधाओं की आपको वो प्रोवाइड करनी चाहिए थी, वो प्रावधान करना चाहिए था, और यहाँ बच्चा शिक्षा के लिए लड़ रहा है। शराब वाले को लड़ना नहीं पड़ता, फिल्म और नाच गाने देखने वाले को लड़ना नहीं पड़ता, धार्मिक और राजनीति करने वालों को लड़ना नहीं पड़ता, ये कैसी राजनीति हो रही है हमारे भारत देश में, ये मेरे समझ से परे है। खैर हम छात्र इसके लिए लड़ रहे हैं, और भारत देश का वो हर सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति जिस देश का भला चाहता है वो हर अच्छे काम में साथ देगा, और साथ देना चाहिए क्योंकि भारत में ना राजनीति चलती है ना जाति चलती है। एक तरफ हम कहते हैं कि समाज पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छा बनेगा, सकारात्मक सोच बनेगी, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत कहते हैं, तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखने में आया है, इस देश की ये विडम्बना है कि जितना ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा चापलूसी कर रहे हैं, और ये चापलूसी की बदौलत है जो आज हम यहाँ पड़े हुए हैं। इससे अच्छा तो पहले गांव के लोग अनपढ़ सही थे, जो प्यार मोहब्बत देखते थे, भाईचारा देखते थे, इससे आगे कुछ नहीं देखते। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपना हक बोलेगा? हम भारत के उस छात्र और व्यक्ति से ये बात कहना चाहते हैं कि किसी भी पार्टी की और पत्रकार की चापलूसी करना बंद कर दो, जाति और राजनीति से बाहर आ जाओ, ना धार्मिक बात करो ना जाति की बात करो, एक सकारात्मक और अच्छे मुद्दे की बात करो ताकि इस देश का विकास हो सके। वो आदमी बेकार है, पागल है, कम दिमाग है जो पत्रकार की चापलूसी और पार्टी की चापलूसी को अपनी देशभक्ति समझता। आपका प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? हमारे छात्र संगठन पूरी कोशिश कर रहे हैं और जितना हो सकेगा उतना करेंगे, क्योंकि हम देश को विकसित देखना चाहते हैं, बर्बाद नहीं देखना चाहते। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जो देश को विकसित करने की बात करते हैं लेकिन हकीकत में वो चापलूसी करते हैं। तो अगर उन्हें देखना है कि देश विकसित कौन कर रहा है तो इन छात्रों को देख ले और समझ ले। देखिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ छोटी सी मांग है, और वो मांग ये है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कैंपस जो है खोल दिया जाए, जिस तरह और यूनिवर्सिटी के कैंपस खुले हैं, JNU की लाइब्रेरी खुल गई है, कैंपस खुल गया है, वहाँ हॉस्टल खुल गए हैं, वहाँ के कैंटीन खुल गए हैं,
DU जो है हमारे बगल में है, वहाँ की जो है लाइब्रेरी खुल गई है, तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की लाइब्रेरी क्यों नहीं खुल रही है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कैंपस क्यों नहीं खुल रहा है। बस इतनी छोटी सी मांग है कि आप कैंपस को खोलिए, जिस तरह और यूनिवर्सिटी खुल गई है उसी तरह आप हमारी यूनिवर्सिटी खोल दीजिए, बस ये हमारी मांग है। और क्या लगता है किस वजह से नहीं खोला जा रहा है? देखिए, इनको पता है, ये लोग जो है ढोंग रच रहे हैं, ये जो है बहाना बना रहे हैं कि COVID-19 है, कोरोना का दौर चल रहा है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कोरोना सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस ही में है या मार्केट में भी है? सिनेमा हॉल खुले हैं वहाँ पे कोरोना नहीं है, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे कोरोना नहीं है, बंगाल में इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे कोरोना नहीं है, बिहार में इलेक्शन हुआ वहाँ पे कोरोना नहीं है। तो जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ पे कोरोना नहीं होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में जहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है, जहाँ पे बच्चों को एजुकेट किया जाता है, वहाँ पे इनको कोरोना दिख रहा है। तो इनका साफ जो है, जो जहन है इनका, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाई से रोका जाए। जब ये बच्चे अपनी पढ़ाई को जो है रोक लेंगे तो ये इस काबिल नहीं होंगे कि वो सवाल कर सके। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो है वही सवाल कर सकता है जो पढ़ा हो। यूनिवर्सिटी में हमको ये सिखाया जाता है कि गलत के खिलाफ जो है कैसे अपनी आवाज़ उठाना है, हक का कैसे साथ देना है। इन चीज़ों से ये लोग जो है डर रहे हैं, इनसे बचने के लिए लोग जो है बहाना बना रहे हैं और कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है किसके पीछे साजिश है जो अभी तक एक साल से ज़्यादा हो गया और लाइब्रेरी? हाँ, एक साल से, अब देख लीजिए ना, इनको इस चीज़ का भी एहसास नहीं है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस में कैसे कैसे किस किस बैकग्राउंड के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मैं इनको बता दूं कि यहाँ पे मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बिहार और बंगाल के, वो सीमांचल के एरिया के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, जिनके पास जो है, जिनके माँ बाप की आमदनी 5,000, 4,000, 6,000 महीने से कम है, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। वो बच्चे अपनी मेहनत से यहाँ पे पढ़ते हैं, वो जो है यहाँ पे बटला हाउस शाहीन बाग जाकिर नगर में जो है वो कोचिंग पढ़ा करके, ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। और ऐसे में जो है ये लोग बच्चों की मांग को ना सुनने के बजाय ये लोग जो है अनसुना कर रहे हैं। तो इनको जो है इन चीज़ों से डर है कि बच्चे जब पढ़ लेंगे तो वो सवाल करेंगे, इस सवाल से ये बचना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। तो आप लोग कब तक ये अपनी मांग जाएगा? देखिए, ये तो आपने इससे पहले कभी मिला? इससे पहले जो है हम, ये हमारा तीसरा प्रोटेस्ट है, इससे पहले दो प्रोटेस्ट हम कर चुके हैं, एक प्रोटेस्ट का कोई सुनवाई नहीं हुआ था, दूसरा में उन्होंने इतना किया था कि लाइब्रेरी जो है ओपन किया हमारी, लेकिन लाइब्रेरी में भी जो है आधा किया, कुछ बच्चों के लिए किया, जो साइंस के बच्चे थे, जो साइंस के स्कॉलर थे उनके लिए उन्होंने लाइब्रेरी को ओपन किया, लेकिन जो सोशल साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, एजुकेशन के हैं, उन स्कॉलर्स के लिए जो है लाइब्रेरी अभी बंद है। जो कॉमन छात्र हैं, जो BA के हैं, मास्टर्स के हैं, BEd के हैं, इंजीनियरिंग वगैरह के बच्चे हैं, उनके लिए लाइब्रेरी अभी बंद है। तो मेरा ये मांग है कि सारे बच्चों के लिए भेदभाव क्यों? ये बच्चे भी तो जामिया ही के स्टूडेंट हैं, इनके लिए आप बंद किए हुए हैं, किसी के लिए खुले हुए हैं, तो ये जो है दोहरी नीति आखिर क्यों, कब तक अपनाएंगे? तो इसलिए मेरी मांग ये है कि सबके लिए जो है लाइब्रेरी ओपन की जाए, सबको जो है पढ़ने का हक है और सबको जो है आप एजुकेट करें। दूसरी बात ये है कि स्कॉलर्स जो जितने हमारे हैं, हमारे पास इतने फ़ोन आए, जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो परेशान हैं, क्योंकि रिसर्च वर्क वो नहीं कर पा रहे हैं। रिसर्च वर्क इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि लाइब्रेरी बंद है, किताबों का एक्सेस नहीं है, तो वो रिसर्च वर्क कैसे करेंगे? और जब वो रिसर्च वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो उनका फेलोशिप रुका हुआ है, फेलोशिप रुका हुआ है तो अपनी पढ़ाई को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के लोग को सोचना चाहिए कि बच्चे गरीब घर से आते हैं, वो अपने फेलोशिप पे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों जो है इनके जहन में है, उसके बावजूद ये हठधर्मी कर रहे हैं। ये जो है पता नहीं किसकी बात पे जो है अड़े हुए हैं कि हमारी बात इनको सुनने में नहीं आ रही है। तो VC साहिबा का क्या कहना है? VC देखिए, VC साहिबा का मामला ये कि VC साहिबा 3 मरतबा हम लोग प्रोटेस्ट कर चुके हैं, VC साहिबा अभी तक नहीं आई है। एक मरतबा मालूम नहीं आई है, एक मरतबा मालूम हुआ कि अमरीका में है, दूसरी मरतबा मालूम हुआ कि अभी बाहर है, तीसरी मरतबा मालूम हुआ कि यहाँ है, लेकिन अभी तक नहीं आई है। हम लोगों ने मेमोरेंडम 2 दे चुके हैं अभी इससे पहले, आज भी मेमोरेंडम हमारा तैयार है, देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। अगर ये हमारी मांग को पूरी करते हैं तब तो हम लोग जो है बिल्कुल एकदम प्रोटेस्ट खत्म करेंगे, और अगर ये हमारी मांग को पूरी नहीं करते हैं तो फिर हम लोग मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के बाद जैसा भी फैसला होगा फिर हम लोग आगे की कार्रवाई को जारी करेंगे। एग्जाम पीरियड भी नजदीक, एग्जाम जो है, तो आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? देखिए, पढ़ाई का मामला तो पूरे एक साल से पढ़ाई एकदम रुकी हुई है, पढ़ाई बिल्कुल एकदम थम सी गई है। जो हम 2 साल पहले पढ़े थे लगता है कि वो भी हम भूल गए हैं, हमारे जहन में वो सब भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नुकसान तो है ही है, लेकिन मजीद नुकसान हम नहीं चाह रहे हैं। जितना नुकसान हो गया, जितने बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जितने बच्चे जो है पीछे हो चुके हैं, अब उनको किसी तरह रिवर्स करने के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस खुले, लाइब्रेरी खुले, ताकि हम अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें। अभी हमारा जो है हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक से जो हमारा एग्ज़ाम भी हो, तो वो एग्ज़ाम हम कैसे देंगे? चुके हैं हमारी लाइब्रेरी खुली हुई नहीं, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो लाइब्रेरी हम कैसे देंगे, एग्ज़ाम कैसे देंगे? जाहिर है कि बगैर पढ़े एग्ज़ाम कोई बच्चा देगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो इसलिए जो है लाइब्रेरी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके खोल दिया जाए, ताकि हम अपनी पढ़ाई को जारी कर सकें, हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें, एग्ज़ाम के लिए हम तैयार हो सकें, बस इतनी से हमारी डिमांड है और कुछ नहीं है। तो आपका ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये हमारा धरना प्रदर्शन आज का है, आज के बाद देखते हैं कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा आता है हमसे मिलने के लिए और उनसे बात होगी जैसा भी, फिर उसके बाद आगे की रणनीति जो है हम अपनाएंगे। अभी तो बस प्रोटेस्ट ही है, और हमारी कोशिश ये है कि वो लोग आकर के हमसे क्या बात करते हैं फिर हम आगे देखते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं जामिया के, जामिया इस्लामिया के गेट नंबर 15 पे, जहां बच्चे ऑनलाइन मोड का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन मोड हटाया जाए। इस चक्कर में मैं एक छात्र से
उनकी जानकारी लेता हूँ कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है हमारी जामिया मिलिया इस्लामिया, उसमें बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल किया जा रहा है, बच्चों की शिक्षा के साथ खेल किया जा रहा है। बिकॉज यहाँ ऑनलाइन मूड में एग्जामिनेशन कराने की बात ये लोग कर रहे हैं, वो हर छात्र नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से छात्र यहाँ आते हैं बहुत गरीब परिवार से और बहुत ही एक बैकवर्ड एरिया से आते हैं, जिनके पास ना ही तो प्रॉपर इंटरनेट होता है, ना ही लैपटॉप होता है, ना ही स्मार्टफोन होता है। ठीक है, ये लोग उसी तरीके से अपनी डिक्टेटरशिप को दिखा रहे हैं जिस तरीके से ऊपर बैठी हुई गवर्नमेंट यहाँ इन लोगों को सीख दे रही है। तो ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कि हमारी मांग नहीं मानेंगे। और दूसरा ये कि जो यूनिवर्सिटी है वो माइनॉरिटी सेल से आती है, माइनॉरिटी सेल में ये होता है कि गरीब परिवार के लोग जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग गांवों से आते हैं, वो यहाँ आकर पढ़ते हैं ताकि वो अपना फ्यूचर आगे जाकर बिल्ड कर सकें, अच्छे से शिक्षा ले सकें। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ का जो VC है और जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी डिक्टेटरशिप दिखा रहा है, पूरी यूनिवर्सिटी को बंद करके रखा है, ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन की ये लोग बात करा रहे हैं। ऑनलाइन मोड में किस टाइम कोरोना इस टाइम पूरे देश में फैला हुआ है, जहाँ कि महाराष्ट्र के कुछ स्टेट में लॉकडाउन भी लग चुका है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, तो उस कंडीशन में आप ये ऑफलाइन मूड का बोल रहे हैं तो कंडीशन अंदर पैंडेमिक हो जाएगी, तो इस बारे में आपके अब तक क्या कहना है? देखिए, ये जो है आप कोरोना की बात कर रहे हैं, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर BJP ने ताबड़तोड़ रैलियाँ की थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने वहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियाँ की थी जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा होती थी। अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, वहाँ लगातार रैलियाँ की जा रही हैं, बड़े बड़े BJP के जो लीडर हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो लोग वहाँ जाकर रैलियाँ कर रहे हैं, वहाँ जाकर वो लोग लोगों का इकट्ठा कर रहे हैं। अगर उन लोगों के लिए पेंडेमिक नहीं है तो ऑब्वियसली हम लोगों के लिए भी पेंडेमिक यहाँ कुछ है नहीं। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी खोली जाए, स्टेप वाइज खोली जाए या जैसे भी खोली जाए, बट एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें हमसे बात करनी चाहिए, VC को हमसे इसमें बात करनी चाहिए, तो यूनिवर्सिटी को खोलना चाहिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट या VC डरी हुई है कि जो बच्चे जामिया के बंद हैं अंदर उनके लिए दोबारा रिकॉल प्रोटेस्ट ना हो जाए, क्या उससे VC या एडमिशन या गवर्नमेंट डरी हुई है यहाँ की, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, यहाँ के जो स्टूडेंट्स CA और NRC प्रोटेस्ट में बंद हैं, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा वो होगा, दूसरा अभी फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहा है देश के अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग सीमाओं पर, दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर, उसके फेवर में जो एक आवाज़ उठनी चाहिए जामिया से, उसको दबाने के लिए पूरी यूनिवर्सिटी को बंद करके रखा है, JNU को भी इसलिए बंद करके रखा है इन लोगों ने। लेकिन इन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रोटेस्ट हमारा राइट है जो हम लेकर रहेंगे, और यूनिवर्सिटी को आपको हर हाल में खोलना होगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की।